हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। भाइयों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट। आप ऑनलाइन घर बैठे अपने कंप्यूटर की सहायता से, मोबाइल की सहायता से आप घर बैठे किस प्रकार देख सकते हो। जी हाँ भाई, हम आपको डायरेक्ट बताएंगे इसमें, हमको ये से आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डायरेक्ट गूगल पे खोल के आपको बता देंगे कि आपको किस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिस्ट में अपना नाम देख सकते हो कि आपको घर मिला है या नहीं मिला। तो आप मात्र 2 मिनट रुके, सिर्फ हमारे साथ बने रहना इस वीडियो में। तो चलो भाइयों, स्टार्ट करते हैं। देखो भाइयों, सबसे पहले हमको क्रोम ब्राउजर खोल लेना है, जिसमें हम गूगल ओपन करेंगे और जिस प्रकार हम बताएंगे आपको वही स्टेप फॉलो करने हैं। तो ये हमारा सिंपल गूगल खुल चुका है, गूगल हमने खोल लिया। तो इसमें आपको सर्च करना है आई ए वाई। सर्च करने के बाद में आप इसको सर्च कर देना। तो देखो भाइयों, IAY जो सर्च करोगे आप, तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PAY, ये सबसे ऊपर वेबसाइट खुलेगी। आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेना, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही ये हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुलने के बाद में सबसे पहले आप ये वेबसाइट खुल जाएगी तो होम के पेज दिख रहा होगा, आप इस होम पर क्लिक कर देना। होम यानी कि ये हमारी वेबसाइट का मेन होम पेज खुल गया। अब इसके बाद हम काम चालू करेंगे, किस प्रकार आपको लिस्ट देखनी है। फिर उसके बाद आपको जाना है, ये रिपोर्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, रिपोर्ट, इस रिपोर्ट पर क्लिक करना है आपको। रिपोर्ट पर क्लिक कर दिया। रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हम इसको कर्सर को नीचे ले जाएंगे और नीचे ले जाने के बाद देखो ये आपको दिख रहा होगा, सोशल ऑडिट रिपोर्ट्स, ऐसा ऑप्शन है सोशल ऑडिट रिपोर्ट्स, और इसमें लिख दिया है नीचे बेनिफिशियरी डिटेल फॉर वेरिफिकेशन। आपको इस पर क्लिक करना है, बेनिफिशियरी डिटेल ऑफ वेरिफिकेशन पर। तो ये देखो आपको इस प्रकार से ये साइट खुल जाएगी। अब इसमें देखो क्या करना है आपको, सिंपल यहां पर सेलेक्ट फिल्टर में आपको ये दिख रहा होगा सेलेक्ट फिल्ट्रेशन, यहां पर सेलेक्ट में क्लिक करना है ऊपर ऊपर वाले में। और जो आपका राज्य है, पूरे भारत की लिस्ट देख सकते हो आप। तो आपका जैसे राज्य है, मैं सर्च करता हूं मध्य प्रदेश का, तो मैंने मध्य प्रदेश डाल दिया, ये हमारा राज्य सिलेक्ट कर दिया। आपका राज्य जो भी है आप वो डालना। उसके बाद इसके नीचे सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, इस सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें आपका जिला डालना है, तो मैं डाल देता हूं दमोह, जैसे मैंने दमोह जिला डाल दिया है। दमोह डालने के बाद में नीचे सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें क्लिक करना। इसमें आपको पंचायत डालनी होगी, पंचायत समिति जो आपकी लगती होगी, तो हम पंचायत समिति जबेरा डाल देते हैं, जबेरा। तो ये हमने पंचायत समिति जबेरा डाल दी। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट का, इसमें आपकी जो आपका गांव है उस गांव का नाम डालना है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ घाटेरा। देख लो भाई, ये घाटेरा मैंने गाँव डाल दिया है, तो ये घाटेरा डाल दिया मेरे गाँव। अब उसके बाद में सिलेक्ट का ऑप्शन क्लिक करना है, आपने कब फॉर्म भरा था उस सन साल डालनी है। आपने 2010 से लेकर 2020 तक कब फॉर्म भरा है वो साल डाल देना। तो मैं डालता हूं जैसे 2018-19, तो मैंने 2018-19 फॉर्म भरा था, ये डाल दिया मैंने ना। उसके बाद में देखो ये नीचे सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, सेलेक्ट का ऑप्शन में क्या करना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत ही सरकार फॉर्म भरवा रही है। वो से ये सब फॉर्म घर वालों पे ही भर जाते हैं जो भी है। तो हम डाल देते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो सबसे ऊपर ऑप्शन है, इसको डाल दिया हमने। और नीचे आ जाएगा फिर देखो, ये 70 में से 20 गए तो कितना बचा, ये आंसर कैप्चा, इस कैप्चा हम भरना है। तो यहां पर ऐसे 70-20 लिखा हुआ है, तो 50 बचते हैं, तो मैं 50 डाल देता हूं। ये हमने 50 डाल दिया। अगर आपके पास कुछ भी आए तो आपको माइनस करके डालना है उत्तर सही। और इसके नीचे आएगा सबमिट का ऑप्शन, तो मैं सबमिट कर देता हूं भाइयों, ये मैंने सबमिट कर दिया। अब आप देख रहे हो भाई, से लिस्ट आ चुकी है, ये मध्य प्रदेश के दमोह जिले की जबेरा पंचायत समिति की घाटेरा गांव की लिस्ट आ चुकी है। इनमें दो भाइयों के घर सेंशन हुए 2018-19 में, कमल लोढ़ी, धनी लोढ़ी और सकून बाल लोढ़ी। इन दोनों ने फॉर्म भरा था 2018-19 में इस पंचायत से, जो घाटेरा पंचायत है, और उनके घर स्वीकार हो चुके हैं, उनका बजट आ चुका है पंचायत में 2018-19 का। आपको सिंपल अब क्या करना है, आपने अपना नाम तो चेक कर लिया, अगर आपको अभी तक घर नहीं मिला है इन दो भाइयों को, तो आपको पंचायत में जाना है और ये लिस्ट लिखा देने हैं उनको कि हाँ हमारे पंचायत के जो घर हैं सरकार की तरफ से स्वीकार कर लिए गए हैं, तो इनको दोनों को भाइयों को घर मिल जाएगा। तो आप भी, आप चाहे पूरे देश में कहीं के रहने वाले हो, यहाँ पर सब कुछ डालकर अपनी तहसील, जिला, पंचायत समिति, गांव, तो ये सब डालकर आप अपनी लिस्ट में नाम देख सकते हो यहाँ पर ऑनलाइन। तो भाइयों, मैंने आपको कोई टाइम नहीं बिगाड़ा, मैंने डायरेक्ट आपको बताया कि आप किस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट देख सकते हो डायरेक्ट। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, सभी जगह, ताकि सभी भाई डायरेक्ट अपना नाम लिस्ट में देख सकते हैं पूरे देश के वासी। तो वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, सभी जगह शेयर करें। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उसको दबाकर जुड़ सकते हैं। साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि मैंने कोई भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास। तो वीडियो में आज कितना ही भाई, जय हिंद, जय भारत।